कालेबुङमा भाजपाले डाकेको बन्दको व्यापक समर्थन, भागो प्रमुखको विरोधमा तर्क वितर्क। आज कालेबुङमा भारतीय जनता पार्टीद्वारा आह्वान गरिएको बन्दले लगभग 80% मानिसहरूको समर्थन पाएको छ। यो बन्द आरजीकर मेडिकल काण्डको विरोधमा डाकिएको थियो, जसले मेडिकल सेवामा समस्या उत्पन्न गरेको थियो। भाजपाको बन्दको आह्वानलाई समर्थन गर्दै धेरैले आफ्नो दैनिक गतिविधिहरू स्थगित गरे तापनि तृणमूल काङ्ग्रेस यसका विरोधमा दृढतापूर्वक उभिएको छ। पहाड क्षेत्रमा टिएमसी समर्थन गरिरहेको दल भागो प्रमुले केही दोकानहरू खुल्ला राख्ने निर्णय गर्यो, जसको कारणले बिहानको समयमा भाजपाका समर्थकहरू र भागो प्रमुख समर्थकहरू बीच तर्क वितर्क भएको खबर प्राप्त भएको छ। हालसम्म कालेबुङमा स्थिति नियन्त्रणमा रहेको छ भने सुरक्षाकर्मीहरूले शान्ति कायम राख्न सक्रिय भूमिका निभाइरहेका छन्। राजनैतिक तापक्रम भने अझै चर्किरहने सङ्केत देखिएको छ। बीजेपीएम पार्टी से बोल के मैं बोलता हूँ, जो अनित थापा का लीडरशिप में, रुदेन सादा लेप्चा के लीडरशिप में हम लोग जो है, हमारा पार्टी का मेन पास्ट में जो जितना भी हुआ ना पहाड़ में, इसलिए वो हिसाब से हमारा मेन मूल मेन फॉर्मूला ही स्ट्राइक फ्री पहाड़, बंद मुक्त पहाड़, इसीलिए एवरीथिंग इज नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, खुला है। यस, न्याय के लिए हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम कर रहा है, पोलिटिकलाइज ना करके जो इट इज अ लीगल मैटर जो है वो हो रहा है अपना प्रक्रिया पे के कुछ दिन आगे आपको मालूम है सब मिल के एक धरना प्रोग्राम हुआ था, ऐसे आज भी एक प्रोग्राम है डीएम ऑफिस पे किया हुआ है हमारा पार्टी का विंग का लेडीज लोग, ये हो रहा है, लेकिन इसको पोलिटिकलाइज करके जो इधर फिर से पहाड़ में हमारा कालेबुङ में धमकी मैंने वो थ्रेट करने का जो प्रैक्टिस ये कई बीजेपी का लोग आके अभी सुबह में हमको मालूम पड़ा इधर में जो थ्रेट किया उसके खिलाफ हम लोग, जनता को डरना नहीं चाहिए, आप लोग डर के मत रहो, आपका आज का मेन डे है, आज आपका जो नॉर्मल शेड्यूल है उस किस्म से आप लोग कीजिए, आपको जो जील में आए दिल में आए वो कीजिए बोल के हम लोग आए। नहीं, आदमी लोग बहुत खुश हुआ ना, ये दुकानदार लोग बहुत खुश हुआ, आप लोग आ गया हम लोग पे एकदम खुश है बोल के, क्योंकि बीजेपी का लोग जाके एकदम डोर टू डोर जाके दुकान के पास जा जाके वो लोग अगर बंद नहीं किया तो ये है वो है बोल के ऐसा थ्रेट कर रहा था। सिलीगुड़ी फुलबारी स्थित महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ले लिएर आएको छ रोगीहरुको निमित्त कुशल उपचार, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ 80 भन्दा अधिक समर्पित डाक्टरहरू अनि कर्मचारीको एक कुशल टिमको नेतृत्वमा 300 देखि अधिक नर्सिङहरूसँग आबद्ध रहेको टिम। हामी प्रत्येक बिरामीलाई गम्भीरतापूर्वक उपचार गर्छौँ, साथै व्यक्तिगत ध्यान प्रदान गर्नेछौँ। 120 बेडको साथमा रोगीहरूलाई कुशल चिकित्सा सेवा प्रदान गर्दछौँ। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फुलबारी, सिलगढी। के तपाईँलाई सुन्नुमा धेरै समस्या भइरहेको छ? मानिसको जीवनमा सुन्नु कति महत्त्वपूर्ण हो त्यो हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसैले आउनुहोस् श्रोभनी हेयरिङ एडमा, जहाँ तपाईँको सुन्ने क्षमतालाई हामी फर्काइल्याउनेछौँ। हाम्रो मोडर्न ल्याबमा हामी तपाईँको कानको जाँच गर्नेछौँ अनि सही सल्लाह पनि दिनेछौँ। तपाईँहरूकै सुविधाको निम्ति अब श्रोभनी हेयरिङ एड सिलगढीमा पनि खुलेको छ। त्यसैले आउनुहोस्, जाँचपछि सही हेयरिङ मसिन लगाउनुहोस्। श्रोभनी हेयरिङ एड, सुन्ने नयाँ क्षमताको साथ। एड्रेस: फर्स्ट फ्लोर द्वारिका रूपमणी प्लाजा, बागजोतिन रोड, सिलगढी, म्युनिसिपल कर्पोरेसनको छेउ। कन्ट्याक्ट 9147375444। के तपाईँ सिलगढीमा व्यापार गर्न सोच्नु हुँदैछ? त्यसो भए व्यापारको नयाँ उचाइ लिएर आइरहेको छ द्वारिका ओरियन, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ 5 भवनमा 10 अत्याधुनिक व्यावसायिक स्थानहरू, जहाँ तपाईँले वास्तु कम्प्लेन्ट, 24/7 सेक्युरिटी, लिफ्ट, लबी आदि सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले आज नै बुकिङ गर्नुहोस् र तपाईँको व्यवसायलाई नयाँ उचाइमा लाने अवसर प्राप्त गर्नुहोस्। द्वारिका ओरियन, नियर कोर्टयार्ड बाई माछुयट, हिलकार्ड रोड, सिलगढी, 8069220660। Can you believe this? के तपाईँलाई थाहा छ, सिलगढी फार्मेसीले हरेक औषधिमा दिइरहेको छ 22% छुट, साथै सिलगढीमा निःशुल्क होम डेलिभरी। सिलगढीदेखि बाहिर पनि कोरियर शुल्क मात्र 50 रुपियाँ। अर्डर गर्नलाई झट्ट सम्पर्क गर्नुहोस्। पसल बिहान 7 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ।
र यहाँ 99% औषधिहरू पाउन सक्नुहुनेछ। सिलगढी फार्मेसीमा एक पोलिक्लिनिक पनि छ, जहाँ तपाईँ सिलगढीको प्रतिष्ठित डाक्टरहरूसँग सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सिलगढी फार्मेसी, नेताजी मोड, सुभाषपल्ली, कन्ट्याक्ट नम्बर 9933990001।